कसम से इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सब इसकी वजह से हुआ है, इसका कसूर है। मुझे लगता है इसने मुझे कुछ खिला दिया है, कुछ घोल के। मैं कितना लिखूं? मौलवी साहब 50 लाख लिखे और साथ ये घर भी। ऐसे कैसे? सिक्योरिटी साहब, सिक्योरिटी। ना कि शादी के बाद आप मेरी बेटी को तलाक दे दे। अरे बेटा क्या हो गया? मेरा, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। कौन कहता है कि ख्वाब पूरे नहीं होते? मैंने जो ख्वाब देखे थे आज वो सारे पूरे हो गए। ये घर मेरा है, साहिब मेरा है, इस घर की हर एक चीज मेरी है। आज मैं इस घर की मालकिन बन गई हूं, मालकिन। साइम ऐसा करेगा? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि उसने ये सब कुछ किया। अम्मी आपको तो मैंने पहले भी वार्न किया था, लेकिन मीरा इसकी आंखों पर तो साइम बाई के अखबार की पट्टी जो बंधी हुई थी। अरे अपने स्टेटस, अपने फैमिली बैकग्राउंड, किसी चीज का लिहाज नहीं किया उसने। और तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि किसी पे इस तरह से अंधा एतमाद नहीं करते, कभी कभी ऐसी चीजें गले भी पड़ जाती हैं, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन उसके बाद उस मासी को आपके आगे लाकर खड़ा कर दिया। आपने कुछ किया नहीं, पुलिस को नहीं कॉल किया आपने, ऐसा कैसे होने दिया? हमें फोन कर लेती आप। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसे लग रहा था जैसे कि उन लोगों ने हमें कैद कर लिया था। मैं कुछ कर ही नहीं सकी। ऐसा था जैसे कि वो लोग सब कुछ प्लान करके आए हो। अरे उन्हें तो किस्मत से मौका दे दिया था साइम ने, तो क्यों ना फायदा उठाते वो लोग। और एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी सास कहाँ थी उस वक्त? दो थप्पड़ खींच के नहीं मारे उन्होंने अपने बेटे को? मम्मी अमजद भाई की तरफ गएंगे। मतलब अब वो मासी उस घर की मालकिन बनके रहेगी और मीरा उस घर से निकल गई। क्या कमी छोड़ दी थी आपने साइम भाई के लिए, जो उन्होंने आपको इतना बड़ा धोखा दिया? इतनी नीची हरकत करते हुए उन्होंने एक बार अपनी मासूम औलाद के बारे में नहीं सोचा? कितना खुदगर्ज हो सकते हैं साइम भाई, मुझे तो सोच करना मेरा खून खौल रहा है। मर्द अपनी ख्वाहिशात के सामने कुछ नहीं सोचता। हम उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम साइम भाई को नहीं छोड़ेंगे। हम साइम भाई, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। मीरा तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो। मीरा ये क्या किया तुमने? Thank you.
मीरा, हिम्मत करो बेटा और इस तरह से जज्बाती होकर ना अपना वक्त जाया मत करो। मजीद अपना नुकसान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बात करती हूँ साइम की माँ से, जवाब देना होगा उन्हें इन सब बातों का। खानदान देखभाल कर शादी की थी हमने, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग हमारे साथ? और साइम के इस अमल का जवाब दे उसके खानदान का एक एक फर्द होगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, हिम्मत मत हारो। तो कोई भी जवाब इस गुनाह को जस्टिफाई नहीं कर सकता मामा। तुम ठीक कह रही हो बेटा, बात करेंगे हम साइम से और उसे जवाब देना होगा। तुम कोई लावारिस नहीं हो। साइम भाई, हेलो समन, वो मीरा पहुंची है क्या तुम्हारे पास? वो हसन को लेके निकली है यहाँ। जब आप गंदगी को माथे का जूमर बना देंगे तो जाहिर है मीरा का क्या जवाब बचता है उस घर में रुकने का? उन्हें तो उस घर से निकलना ही होगा ना। जब उनको आधी रात को घर से निकलने पे मजबूर कर दिया तो फिर अब दिखावे की परेशानी के लिए क्यों कॉल कर रहे हैं? मैंने उसे फोन किया है, वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही। फिर से ट्राई किया, अब उसका नंबर बंद आ रहा है। मीरा ने अपना फोन तोड़ दिया है। समन प्लीज एक बार मेरी बात करा। बात करना तो दूर की बात है, वो आपका नाम भी सुनना नहीं चाहती। एक बार मेरी उससे बात करा दो प्लीज, मैं माफी मांगना चाह रहा हूँ उससे। साहिब भाई, मीरा आपसे बात करना नहीं चाहती, आप प्लीज उसको बार बार कॉल करके ज़हनी अज़ियत मत दें। तुम समझ नहीं रही समन, मीरा से मेरा बात करना बहुत जरूरी है इस वक्त। अब बात तो दिन की रोशनी में होगी और वो भी आपके पूरे घर वालों के सामने। माफी मांगना चाह रहे थे। माफी मांगना चाहते हैं, माफी तो अब उसे अल्लाह से मांगनी चाहिए। हाँ समीना बोल, इमरान भाई पहुंच गए खैरियत से? हाँ हम तो पहुंच गए थे खैरियत से। और तेरी सास, उसने कुछ कहा तो नहीं? वो तो हर वक्त ही कुछ ना कुछ कहती रहती है, तू उसको छोड़। तू ये बता कि हमारे जाने के बाद कुछ हुआ तो नहीं? बाजी कहाँ है तेरी? बाजी ने क्या कहना है, वो तो उसी वक्त हसन को लेकर चली गई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, खुद ही मैदान छोड़ के चली गई। तू कहाँ पर है और साहब क्या कर रहे हैं? साइम अपने कमरे में है और मैं अपने कमरे में बैठी हूँ। तू अपने कमरे में क्या कर रही है? जाके साइम के पास बैठ, उसकी दिल जोई कर, यही तो वक्त है। अभी उसकी बीवी और बच्चे उसको छोड़ कर गए हैं, उसके दिल पर हमदर्दी के दो बोल रख, फिर देख कैसे भूल जाता है उन दोनों को। तू यहाँ अपने कमरे में क्यों बैठी हुई, बहुत ही बेवकूफ है तू तो। ना भाई, बहुत गुस्से में, अगर डांट दिया तो? देख यही वक्त है, तो उसको बता कि तू कितनी मज़लूम है, उसको एहसास दिला कि उसकी वजह से तेरी कितनी बेइज्जती हुई है। वो टूटा हुआ मर्द है, टूटा हुआ मर्द औरत को बहुत आसानी से कबूल कर लेता है, उसकी हमदर्द बन जा। क्या तू तो ठीक ही रही है। चल अब तू उठ के तैयार हो जा, वो मीरा का कमरा पहले था, अब तेरा है। अगर तू इस तरह कोने में जाके बैठ जाएगी तो गई भैंस पानी में, हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अच्छा ना, मैं करती हूँ कुछ। बहन को पटिया बाद में पढ़ाना, पहले बत्ती बंद कर दे, सुबह दुकान खोलनी होती है मुझे, मेरी तो बात ही नहीं खत्म हो रही। अच्छा बहन, तुझे बाद में फोन करती हूँ, तनी ये क्यों शोर मचा रहा है आज। चल तू फोन रख, अल्लाह हाफिज। समीना कह तो बिल्कुल ठीक ही रही है,
मैं अगर ऐसे बैठी रहूंगी तो साइम बाजी को कैसे बोलेंगे? और मैं तो अब कभी भी बाजी को दोबारा साइम की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। बस कर दो मीरा। अरे बेटा ऐसे रो रो के तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। अपना नहीं तो कम से कम अपने साथ जुड़ी दूसरी जिंदगी का ख्याल कर लो। अम्मा उन्होंने तो आने वाली जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचा। कम अपनी मर्द सोचता ही कहाँ है, उसको तो इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उसके साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी हैं। उसका एक मकरूह अमल सारी की सारी जिंदगियां तबाह बर्बाद करके रख देता। साइम भाई की कॉल आ रही, किसी को उससे बात करने की जरूरत नहीं। अरे बेटा बात तो करनी होगी ना। साइम क्यों बार बार फोन किए जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, बस मेरी एक बार मीरा से बात कराते हैं, बात करना चाह रहा हूँ उससे। अच्छा तुमने कोई गुंजाइश छोड़ी है जो मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती राजी करूं कि वो तुमसे बात कर ले? मीरा को गलत फहमी हो गई, ऐसा नहीं है जैसा वो समझ रही है। शर्म आनी चाहिए वैसे तुम्हें, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो और तुम मेरी बेटी को झूठा साबित करने पे लगे हो। अरे हद हो गई है वैसे। मैं सच कह रहा हूं अम्मी, मुझे शहर ने फंसाया। अच्छा और तुम इतने मासूम थे कि उसके फंसाने से तुम फंस गए। अब जो भी बात करनी है ना वो सुबह अपने घर वालों के सामने करना। अरे प्लीज अम्मी ऐसा ना करें, अगर ये बात सबके सामने खुल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। ये तो उस मासी को फंसाने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही, सोशल सर्कल में मेरी एक रेपुटेशन है तो खराब हो जाएगी। अच्छा ये हरकत करने से पहले तुम्हें अपनी रेपो का ख्याल नहीं आया? देखें मीरा वापस आ जाए तो मैं उसे फौरन तलाक दे दूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा तुम उसे तलाक दे दोगे? तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि उसके बाप ने तलाक दिलवाने के लिए ही ये सब कुछ किया था, घर अपने नाम लिखवाया और 50 लाख अगमेर भी। अरे जिन बातों को तुम इतना आसान समझ रहे थे ना, ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है। जिस काम को तुमने इतना खुशी खुशी शुरू किया था ना, अब देखना वो तुम्हारी जान का रोग साबित होगा। और सुनो अब फोन मत करना यहाँ पर, वरना मैं सुबह का इंतजार किए बगैर अभी तुम्हारी माँ को फोन मिला दूंगी। क्यों आई हो यहाँ? वो घर में कोई नहीं है ना तो मुझे डर लग रहा था। निकलो यहाँ से, निकलो। क्या हो गया साइम? बीवी हूं मैं आपकी, निकाह हुआ है मेरा आपके साथ, इस कमरे में कहीं कोने में पड़ी रहूंगी? निकाह हुआ नहीं है, जबरदस्ती कराया गया है। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया, मेरी बीवी बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, दफा हो जाओ यहां से। और सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल के खुद तुम मासूम बन गई, निकलो यहां से। साइम उस वक्त वो सब करना जरूरी था, अगर ऐसा ना होता तो मेरे घर वाले मुझे मार देते,
और आपको आपको भी नुकसान पहुंचाते। मजबूरी थी इसीलिए ये सब करना पड़ा। तुम्हारी नहुसत मेरा हंसता भस्ता घर खा गई। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। निकलो यहां से, दफा हो जाओ। अब्बा की कॉल आ रही है। देख रही हो तुम, इस घर में मीरा अब भी तुम्हारा ही कमरा मौजूद है, जो कि अब भी तुम्हारा ही है। अरे कम से कम इस कमरे के बहाने यहाँ पर रहने के लिए आ जाओ। सिर्फ 2-4 घंटे के लिए आती हो मेहमानों की तरह और चली जाती हो। मामा आप मुझे बताएं मुझे फुर्सत कब मिलती है कि मैं यहाँ के रुकूं। जानती हूँ मैं, तुम्हें पता है जब मैं बोर होती हूँ ना और तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे, तब मैं यहाँ आ जाती हूँ और तुम्हारी ये सारी चीजें देखकर अपना दिल बहलाती हूँ कि मेरी बच्ची ने इन सब चीजों को कितना अच्छा संभाल के रखा हुआ था। अच्छा सुने, मेरी माँ ने मेरी सारी चीजें स्टोरेज में डाले ठीक है, और यहाँ अपना कुछ बनाए कोई स्टडी स्टूडियो, मेरी ये चीजें आपको क्या देंगी? तुम्हारे लिए होंगी ये चीजें बेमानी, लेकिन मेरे लिए इन चीजों की बहुत अहमियत है। मैंने कहा ना जब तुम्हारी बहुत याद आती है ना। खैर अभी मैं जिंदा हूं ठीक है, जब मर जाऊंगी ना तब तुम दोनों बहनें जो दिल चाहे करना इस कमरे का, मगर मेरे जीते जी कुछ नहीं जाएगा यहां से बाहर। पता नहीं आपको क्या शौक है हमें छोड़ने जाने का, कहीं नहीं जा रही बस। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मीरा तुम प्लीज परेशान मत हो, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करो कि सच तुम्हारे सामने आ गया। मेरे पास एक एक्स्ट्रा फोन है, मैं कल उसमें तुम्हारी सिम लगा दूंगी। अगर अभी फोन ऑन करोगी ना तो साइम भाई की फिर से कॉल आ जाएगी। कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की, मैं नहीं चाहती कि तुम उनसे बात करो। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। प्लीज अम्मी को जाके देख लो, मेरी वजह से वो बहुत परेशान होंगी लेकिन दिखाएंगी नहीं मेरे सामने। मेरी वजह से उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो जाएगी ना, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम दोनों को बहुत परेशान किया मैंने, मुझे नहीं आना। कैसी बातें कर रही हो मीरा, हम कोई गैर है? सगा खून हो तुम हमारा, और जब माएं परेशान होती हैं तो उनके दिल से निकली हुई दुआएं असर करती हैं, और अपनों से कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। अब संभालो खुद को, हसन के लिए संभालो खुद को। वो जब सुबह उठेगा ना तो तुमसे सवाल करेगा, उन सवालों के जवाब को ढूंढ। अच्छा रोना तो बंद करो प्लीज, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अनकही सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयां। दर्द दिया क्यों ऐ खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मैं ठीक हूँ अब्बा,
ये बाजी और साहब ने कुछ बोला तो नहीं तुझे? नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कोई कहे तो मुझे बताना, ऐसा तमाशा लगाऊंगा इनके घर के बाहर कि ये याद रखेंगे। अब्बा खुदा के वास्ते हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, ऐसा कुछ ना करना। अब इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है। चल ठीक है, तू कह रही है तो छोड़ देता हूँ, लेकिन अपने साहब को बता देना अगर तेरे साथ कोई उल्टा सीधा किया तो सीधा नहीं रहने दूंगा तेरे साहब को, समझी? अब्बा देख, तू साहब के बारे में ऐसे मत बोल, साहब तो बहुत अच्छे हैं। उनसे कहना तेरे साथ इसी तरह अच्छा रहे, वरना उसके साथ बुरा हो जाएगा। निगाह नामा है मेरे पास। कह दूंगी, तो अपना ख्याल रखना। अल्लाह बहुत बुरा हुआ है मेरी बच्ची के साथ। क्यों किया साइम ने ऐसा? ये क्या कर रही है यहाँ पर? वो अम्मी कुछ पूछ रही है साइम। मीरा कहाँ है? वो अपनी अम्मी के घर गई है। वो तुमसे मैंने क्या पूछा था? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? बीवी हूँ इनकी। मेरे खुदा अम्मी, अम्मी जान उठिए, ये मेडिसिन ले लें। आप मेडिसिन के बिना ही सो गई थी। नहीं बेटा, किसी चीज को मेरा दिल नहीं चाह रहा है। बहुत बुरा हुआ है मेरी बच्ची के साथ। क्यों किया साइम ने ऐसा? अम्मी, आप कमजोर पड़ जाएंगी तो फिर मीरा को कौन संभालेगा? ठीक कह रही हो तुम, मगर मुझसे मीरा का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा बेटा। इतना बड़ा धोखा। साइम भाई ने जो मीरा के साथ करना था ना, वो तो कर लिया, लेकिन अब जो उनके साथ होगा ना, वो हम सब मिलकर देखेंगे। अच्छा अम्मी, प्लीज आप मेडिसिन खा लीजिए, प्लीज। दरवाजा कहाँ है ये लोग? देखते हो शायद मेरे पास चाबी हो। हाँ मिल गई है, खुल गया। आ जाओ अंदर आओ। नहीं नहीं अम्मी, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, चाय पी के जाना ना। अम्मी चाय की जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे जाने दे। नहीं अंदर तो आओ तुम, आ जाओ। अच्छा, अरे आओ भाई। अम्मी वैसे चाय का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। आ जाओ बेटा, आओ अंदर आओ। थैंक यू। हसन तो स्कूल चला गया होगा, साइम तैयार हो रहा होगा दफ्तर के लिए। मीरा पता नहीं कहाँ है, अभी तक उठी क्यों नहीं, तो जल्दी उठ जाती है। मीरा, उनके शहर घर है गई। मीरा को देखती हूँ क्या हुआ इसे। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं क्या अम्मी भाईजान ये क्या कर रही है यहाँ पर वो अम्मी कुछ पूछ रही है सैम मीरा कहाँ है वो अपनी अम्मी के घर गई है वो तुमसे मैंने क्या पूछा था क्या कर रही हो तुम यहाँ पे बीवी हूँ इनकी क्या बकवास कर रही हो लड़की बकवास कर रही सायम आप चुपचाप खड़े हुए देख क्या रहे हैं बताएं नहीं ने सब सच ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं ये मासी सच कह रही अम्मी वो मैं क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है वो क्या कर रहे हो साफ साफ जवाब दो क्या ये लड़की सच बोल रही है या फिर ये सब हमारे साथ एक महज एक बेहुदा मजाक है भाईजान हाँ या ना मैं जवाब दो सायम क्या ये लड़की तुम्हारी बीवी है अम्मी क्यों किया तुमने ऐसा क्यों किया सायम क्यों किया तुमने ऐसा सायम अरे ये क्या जवाब देगा अम्मी इसके पास बोलने के लिए अब बचा ही क्या है निकलो यहाँ से दादी मेरी बात सुनो चलो निकलो मैं कहाँ जाऊंगी मेरा और कोई ठिकाना नहीं कुछ नहीं सुनना निकलो साहिब आप कड़े में देख क्या रहे हैं समझाया नहीं ने मैं कहाँ जाऊंगी वैसे भी मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही अम्मी आप जरा एक दफा तसल्ली से मेरी चुप रहो तुम अब नहीं को तुम्हारी कोई बात सुने अब जमीरा के पास जाना जमीरा के पास चलो लेके चलो जल्दी करो चले हम चले जिसकी बात सुननी है अम्मी चुप रहो अमीन खामोश भाईजान भाईजान सुने देखे रात को सायम अमीन मेरी बात तो सुने तुम इस लायक नहीं को तुम्हारी कोई बात सुने अमीन ये सब कुछ क्या है ये सब कुछ ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि तुम्हें ये गुल खिलाने पड़े एक मौसी से तुमने निकाह कर लिया शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए अरे तुम किससे शर्म की बात कर रहे हो उससे जिसने इतनी शर्मनाक हरकत की है इतनी गिली हरकत की है चलो मेरी बात तो सुन ले अमजद मैं जब तक इसकी बात नहीं सुनूंगी जब तक मैं मीरा से बात नहीं कर लेती चलो यहां से जान अमीन माँ पापा को बोलेंगी ना अभी खुद बात कर लो तुम आ रहे हो ना पापा हम जब से आए आप हमें कहीं घुमाने नहीं लेकर गए यूरोप में तो हम हर वीकेंड और हर वेकेशन में बाहर जाते थे बेटा मेरी यहाँ पे नई नई जॉब है एक दफा पैर जम जाएं सब चीजें सेट हो जाएं तो तुम लोग जहां बोलोगे वहां लेकर जाऊंगा क्यों अस्मा जो आप मुनासिब समझो वैसे भी दुनिया को आप मुझसे ज्यादा जानते हैं मैं सोची थी कि नायला भाभी से मिलाऊं इतनी सुबह खैर तो है वो क्या सोचेंगी सब खैर है मेरी कल रात को उनसे बात हुई सायम आके शहर को ले गया मैंने सोचा नायला भाभी अब इस हालत में अकेली घर को संभाल रही हूँ जाके उनकी मदद कर सोच तो बहुत अच्छी है तुम्हारी वैसे एक बात है तुम्हारे खानदान की तरबियत बहुत अच्छी है सबसे अच्छी बात यह है कि नंद भावच का जो रिश्ता है वो सिर्फ दुनिया में नाम का ही रह गया लेकिन तुम्हारे यहाँ एक दूसरे से बहुत प्यार कर अजीब अजीब सी स्टोरी सुनने को मिलती है टीवी अगर देखो अखबार अगर पढ़ो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमीन है ना हम सब बहन भाइयों की परवरिश में किसी किस्म की कमी नहीं मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है मामा हम भी आपके साथ चलें आज हमारा ऑफ डे है प्लीज पापा हमें भी साथ ले जाएं ठीक है
जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, उसके बाद मेरे साथ चलो। ओके। क्या हुआ है भाभी, सब खैर है ना साइम की तरह? सब गड़बड़ हो गया अस्मा। भाभी प्लीज बताएं ना अमजद भाई क्या कह रहे हैं। साइम ने शहर से निकाह कर लिया। क्या शहर कौन? मीरा की मासी। साइम ने उससे निकाह कर लिया और मीरा घर छोड़ के चली गई है। साइम ने मासी से निकाह कर लिया, क्यों? ये तो मुझे पता नहीं है अस्मा, इसका जवाब तो मीरा ही दे सकती है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता? मुनीर को पता चल गया तो वो क्या कहेंगे? मेरे ससुराल वालों तक बात चली गई तो क्या होगा भाभी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अस्मा, मैं तो अभी तक सदमे में हूं। लोगों की बातों का सामना कैसे करेंगे हम? साइम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता? इतनी अच्छी सुलझी हुई बीबी को छोड़ के उसने मासी से निकाह कर लिया, पागल हो गया है वो क्या? इतना नीचे कैसे गिर सकता है? गिर नहीं सकता, वो गिर गया है। हमें तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। शहर, शहर, जब मैंने तुम्हें मना किया था रात को कि मेरे कमरे में मत आना तो क्यों आई थी? मुझे डर लग रहा था। तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मार के क्यों फांसी चढ़ना चाह रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? ये जो अपने बाप के साथ मिलके तुम चाल चल रही हो ना, मैं ऐसे कामयाब नहीं होने दूंगा। हम कोई चाल नहीं खेल रहे, चाल तो आप खेल रहे हैं मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बाद कितनी आसानी से सब कुछ आपने मेरे सर पे डाल दिया, क्योंकि मैं एक मासी हूँ। आप खुद ही सोचे ना मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी मैं। मेरी तरफ से बाहर में जाओ तुम। जिस शख्स की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। आपका घर मेरी वजह से बर्बाद नहीं हुआ, आपकी वजह से बर्बाद हुआ। पहले कदम आपने बढ़ाया था मेरी तरफ, मैंने नहीं। वास बंद करो। इस घर में वापस आ जाए उसके बाद तुम्हें देखता हूं मैं। नहीं साहिब, मीरा तो अभी इस घर में वापस नहीं आएगी। उसे इस घर में वापस लाने के लिए थोड़ी ना ये प्लान किया था। अब तो इस घर पे सिर्फ मैं राज करूंगी। नाश्ते के लिए तो तुमने मना कर दिया था, लेकिन चाय तो पी लो और ये लो फोन।
मैंने इसमें सिम लगा दी है। आंटी की कॉल आ रही है, लो मीरा बात कर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मैं मामा के घर पे हूं। अम्मी साहिब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जी जी आंटी आप आ जाएं। खुदा हाफिज। अच्छा मेरा खुद को संभालो यार। क्या करूं मैं, साइम तो एकदम से ही बदल गए। अभी तो दादी अम्मा बाजी की तरफ गई हैं। अगर सबने मिलकर मुझे तलाक दिलवाती तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। समीना, समीना से बात करती हूँ। हाँ सहर बोल। समीना यहाँ तो सब गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ, बाजी ने फिर कुछ कहा है? अरे नहीं, वो तो हसन को लेकर रात को ही घर से चली गई थी। कसम से अगर मेरी सौकन घर छोड़ के जाती ना तो मैं तो खुशी से लुडियां डालती। लुडियां क्या खाक डालूं? साइम साइम एकदम से ही बदल गए। रात को चुपके से उनके कमरे में आकर सो गई थी, सुबह दादी अम्मा ने देख लिया और इतना गुस्सा किया। हाँ तो करने दे, अपने बेटे पे ही कर रही है ना, तुझे तो कुछ नहीं कहना, तेरा क्या जाता है। लेकिन सुनना, साइम को पता नहीं क्या हुआ, वो तो अचानक से बदल ही गए। देख बदलेगा तो सही ना, बीवी और बेटा छोड़कर गया, उसका चीखना चिल्लाना भी बनता है। लेकिन तुझे पता है साइम ने मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की है। इतना बदल गया है वो? तू तो बड़ा कहती थी कि तेरा आशिक हुआ फिरता है, अब क्या हो गया उसको? पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद वो डर गए हैं। देख लेकिन तूने बिल्कुल नहीं डरना, अब्बा और मैंने जो प्लान बनाया था ना उसकी वजह से तुझे घर और 50 लाख की मालकिन बनाया हमने। लेकिन समीना मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं साइम मुझे तलाक ना दे दे। नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, उसकी वजह से वो घर और 50 लाख दोनों खो देगा, इतनी बड़ी बेवकूफी वो नहीं करेगा। कह तो तू ठीक ही रही है। तू ऐसा कर कि तुम उसके सामने बिल्कुल मजलूम बन जा कि तेरे पे बहुत जुलम हो रहा है। कब तक बीवी और बेटे का गम मनाएगा, वापस तेरे पास ही आएगा। चल फोन रखती हूँ मैं। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा